एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, क्या एसएस बनाएंगे बॉलीवुड स्टार्स के साथ R4? क्या ट्रिपल आर का क्लाइमेक्स होगा R4 की शुरुअत? क्या एक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हो रही है R4 डिले? ट्रिपल आर मूवी के क्लाइमेक्स में रामा राजू और भीमा ने अपने दुश्मनों को हराकर विजय प्राप्त की थी, जिसकी एक तस्वीर राजा मौली जी ने अपने ट्विटर पर भी डाली है। इसमें उन्होंने यही ऐलान किया था कि युद्ध जीत लिया गया है, लेकिन मूवी को खत्म करके राजा मौली जी ने ये बात तो बता ही दी है कि उन्होंने पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 में तो कोई स्टोरी नहीं छोड़ी। तो जानना यह है कि राइटिंग टीम और प्रोडक्शन टीम मिलकर क्या सोच रहे हैं। R4 में ये बात तो पक्की है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स को ही नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा खबरें आई हैं कि बॉलीवुड सिर्फ कुछ ही फ्रीडम फाइटर्स को बार बार दिखाते हैं, इसके लिए कुछ ऐसे फाइटर्स जिन्होंने देश के लिए जान दी थी और वो साउथ को बिलोंग करते थे, ऐसे कुछ फाइटर्स को राजा मौली दिखाना चाहते हैं। अब साउथ में ना तो एक्टर्स की कमी है और ना उन्हें फैन फॉलोइंग की, तो बॉलीवुड स्टार्स का मेजर रोल होना मुश्किल ही लग रहा है। लैंग्वेज अडेप्टेशन, ऑडियंस कनेक्शन और ऐसी बहुत बातें होती है जो मूवी को हिट कराने के लिए कैटलिस्ट का काम करती है, इसीलिए डायरेक्टर साउथ के हीरो से भी खुश है। हाँ, मूवी में आलिया भट्ट को जरूर कास्ट किया गया था, लेकिन वो प्योरली उनकी एक्टिंग स्किल सेट की वजह से R4 में कास्ट भले ही बदल गए स्क्रिप्ट की डिमांड पर, लेकिन एक्टर्स बॉलीवुड के नहीं लिए जाएंगे। मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स काफी नाप तोल के अपने एक्टर्स को फाइनल करेंगे, जिसके लिए उन्हें सबकी डेट्स मिलना जरूरी है। R4 की कास्ट भी RRR के जैसे ही बड़ी होगी। डायरेक्टर SS राजामौली खुद ही महेश बाबू के साथ एक नए वेंचर पे बिजी है, जिसके चलते वो टाइम नहीं दे पा रहे, और राइटर्स भी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट जो एक्शन ड्रामा मूवी के लिए जा सके ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। RRR के क्लाइमेक्स में उस स्टोरी का तो एंड हो गया था, लेकिन मूवीज की फ्रेंचाइजी के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टोरी ही ली जाएगी। एक्टर्स सभी अपनी अपनी मूवीज में बिजी है, इसीलिए R4 के प्रोडक्शन को फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है। हालांकि RRR से फायदे के बाद ऐसे रूमर्स तो आ रहे हैं कि R4 बनाई जाएगी, लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। तो ऐसे में डेट्स की लो अवेलेबिलिटी की वजह से ही मूवी डिले हो रही है। देखना ये होगा कि आखिर कब तक R4 को रोका जाएगा, और अगर R4 के प्रोडक्शन की शुरुआत होती है तो स्टोरी लाइन क्या रहेगी।